भी लगने। ओ भैया ओ भैया, आप हाथ नहीं लगाओ। जिसको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि हमारी लव मैरिज है, तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता दूं मेरी सिजेरियन है, दोनों सिजेरियन ही हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत छत पे से हो रही है सुबह सुबह, क्योंकि बाबू को हम गरम गरम नरम नरम धूप खिला रहे हैं। या मम्मा और बाबू दोनों देखो बैठ के धूप खा रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी आज ही साफ हुआ है और देखो बादल कितने अच्छे हो रहे हैं। और आज बहुत बड़ा भैया ये रहा। कौन हो आप? बहुत बड़ा भैया। तो राधे राधे करो गाइस से। राधे राधे खाटू श्याम की जय। राधे राधे खाटू श्याम की जय। मम्मा भी बोल दो भैया। राधे राधे गुड मॉर्निंग। और मम्मा कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। छोटे बाबू को धूप खिला रहे हो गाइस, देख लो। अभी जब से लाए तब से धूप आज निकली। और बाबू के कारण हमको जिमी को यहाँ बांधना पड़ा, क्योंकि बाबू को देख के नया नया अभी वो भौंक रही है। उसको मालूम नहीं है ना कौन है अभी, उसकी जान पहचान करवानी पड़ेगी। अभी मम्मी नीचे खाना बना रही है, पापा जी ड्यूटी चले गए हैं, और भैया कमेंट में सब लोग पूछ रहे हैं कि रश्मि के मम्मी पापा कहाँ है। जिसको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि हमारी लव मैरिज है, तो आगे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे किसी को। तो प्लीज़ कमेंट में ज़्यादा लोड मत लो। और बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही लोग को प्यार देते जाओ और तुम्हारे भाई को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओ। अपना आशीर्वाद सदैव बना के रखना। ये मेरे गमले देख लो भैया, कितने अच्छे अच्छे गमले हैं। अब इन सब के ना ये मेरे को चेंज करना है। अब ये बस, अब रश्मि थोड़ी ठीक हो जाए तो धीरे धीरे रश्मि को काम में लगाते हैं। ये रूम भी देखो हमारा सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ये पूरा कैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं ही सो रहा हूँ ना इधर, इसलिए दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई है। दाढ़ी वाड़ी कटवाते हैं। कहाँ बड़ी, कहाँ बताओ, और नीचे ढूंढ रहे हैं अपन। गोदड़ी कहाँ है वाली, ये कहाँ है? फिर से धोना पड़ेगी इस गोदड़ी को। सारे कपड़े इधर उधर हो गए हैं, अब धोने पड़ेंगे। चलो माता जी की आरती चालू हो गई है। आज दशहरा है, दशहरे की सबको शुभकामनाएं, और सब अपने अपने पाप पुण्य पापों की वो मांग लेना। क्या मांग लेना? समा। समा ठीक हो रही है, तुमने उसको उड़ा के नहीं रखा है, खुद को भी बोला है कि अपने ना ये स्वेटर है मेरा। हाँ। पंखा चालू करके सोती हूँ ना तुम, लग रही है मेरे को खतरनाक, पर फिर भी पहनी हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे छत पे भी बहुत गंदी वाड़ा हो रहा है, अभी सब साफ कर दूंगा मैं। माता जी की आरती चालू हो गई है, आज नवरात्रि का आखिरी दिन आज ही रहता है ना। कल अष्टमी नवमी थी, और हमको तो पूजा कर दी नहीं थी क्योंकि सूतक चल रहा है ना अपने वहाँ, तो आज विसर्जन है माता जी का। और इस बार मैं देवास भी नहीं जा पाया हूँ, तो हर बार देवास जाता हूँ मैं पैदल, घुटनों से चढ़ता हूँ। 10 साल 11 साल पूरे हो गए तुम्हारे भाई के, और कुछ भाई लोगों के मैसेज भी आए थे मेरे पास कि भैया इस बार देवास नहीं जा रहे हो, तो भाई उनको बोला मैंने कि इस बार नहीं जा पाएंगे, सूतक चल रहा है। और भैया आप तुम कब जल्दी ऐसे हील करो अपने आप को, तो अपना वीडियो वगैरह बनाए, काम रुका पड़ा अपना। सोमवार को जाऊंगी अभी डॉक्टर को दिखाने। हाँ, ताकि वक्के सब सही है कि नहीं। हाँ, सब लोग पूछ रहे थे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है कि सिजेरियन है, तो मैं बता दूं मेरी सिजेरियन है, दोनों सिजेरियन ही हुई है। और वही इसकी तो इस कारण हुई क्योंकि जो कॉर्ड रहती है ना वो गले में लिपटी हुई थी, दो बाबू के गले में है ना, दो नावल आ गई थी जो बोलते हैं वो नावल आ गई थी। और ये पहले इनका भी, ये भी ऑपरेशन से ही हुए थे, क्योंकि इनके गले में भी नावल आ गई थी, इनके गले में दो नावल थी। तो अब डॉक्टर ने बोला अगली बार भी बेटा ही होगा, बेटी, क्योंकि हमारे पास है, हमारी एक ही बेटी है ना, अनवी मेरी बहन की बेटी, मेरी बेटी है। बेटी जल्दी से ठीक हो जाओ, दोनों जन फटाफट फिर वीडियो बनाना अपने को अच्छी अच्छी। अभी तो देखो काम बड़ा है घर का बहुत सारा, और आज व्लॉग इसलिए फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि कल मैंने शूट करा नहीं था, आज ही दशहरे वाले दिन ही आज व्लॉग शूट करा, आज ही डाल देंगे, आज ही एडिटिंग कर देंगे, क्योंकि आज का व्लॉग आज से स्टार्ट करेंगे। कल इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ लाइट भी नहीं थी और सबकी तबीयत खराब हुई थी, खांसी देखो चली रही है इनको भी, भयंकर खांसी चल रही है। अपने बच्चों का, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखो थोड़ा, ये सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है, हो सके तो थोड़ी थोड़ी दवाई लेते रहो, है ना। ये देखो बगासी ले रहे हैं, धूप इनको खिलाना जरूरी है, ये हटाओ ना ऐसे हाथ पैरों में तो धूप खिला। अरे यार रश्मि, एक बच्चे की माँ होकर तुमको इतना पता नहीं है, पूरे हाथ पैर पे भी लगने। ओ भैया ओ भैया, आप हाथ नहीं लगाओ, आपको खांसी चल रहा है ना, आप हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। अभी मैं कमरा साफ कर देता हूँ, उसके बाद अपन करते हैं कुछ काम। और आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत 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 बधाइयाँ, बोलो जय श्री राम।
अभी वैसे वो आरती चल रही है माता जी की, तो आवाज थोड़ी आ सकती है क्योंकि अधिकतर अभी मैंने व्लॉग है ना बहुत सारे शूट करके रखे थे और उसमें साउंड वाउंड एडिट कर दिया तो उसमें कॉपीराइट आ गया। यार चढ़ गया वो अंदर से, जा टी शर्ट टीशर्ट उठा के ला मेरी को, इसी मुंह बंद करके जा और गंदा बच्चा पूरा। नहीं लेने को तैयार है ना वो। अच्छा क्यों नहीं लेने को तैयार है? ला इधर। अब तो बाबू की कोई किस भी नहीं लेगा। रोज बिना बोले अपने से चुपचाप ऊपर आके बैठ जाया करो। यूं नहीं कि कोई बोलेगा तो मैं ऊपर आऊंगी तो याद आएगी, देख के अपना ऊपर आ जाया करो। अरे ऊपर नीचे नहीं कर सकती हो, पर तुमको भी बैठना जरूरी है ना। आइडिया बाबू तो जरूरी नहीं है। ए, मेरा बटन कब से खुला मैंने अब देखा है? रोज धूप खाया करो। कौन है यार ये परेशान कर रही है? एक लड़की मुझे, रश्मि बोस। तो बात कर लो ना, फोन उठा के इंस्टाग्राम पे बात ही कर लेता हूँ। 10 मिनट होगा है, 10 मिनट बस, अब ज्यादा मत ले, काला हो जाएगा मेरा छोरा। चलो लाओ मुझे तो, और नीचे लेके जाता हूँ मैं अभी। तुम धीरे धीरे आराम से आना ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करना। लाओ दे तो छोड़ो। चलो राजकुमार धीरे धीरे आना, आराम आराम से। 10 मिनट हवा धूप खिलाती है, छोटे बच्चों को धूप खिलाना बहुत जरूरी रहता है। जब अनवी हुई थी मेरी बहन की लड़की, तो उसको तो हम हॉस्पिटल में धूप में लेके बैठे रहते थे। अभी बाबू के लिए जी देखो घर कैसा पड़ा है, पूरा अस्त व्यस्त। बाबू के लिए झूला बांध दिया है, और इधर दादी कहाँ कर ली है ये देखो, दादी का सुबह सुबह का काम चल गया है मुँह सड़ा के। तुमने तो अभी यूं करा, यूं क्यों करा? इसका मतलब क्या, बंद करो ये है, बिल आएगा ना। अच्छा, क्या बनाया? और तुम है ना, वो रश्मि खाना नहीं बना रही तो मम्मी तुम कुछ भी बना के खिला रहे हो ना अनसन। अच्छी चीज कुछ बना के खिलाओ, मेरी बीवी तो बना के खिलाती थी ना तुमको, तो उसको भी कुछ अच्छा जरा खिला दो। गर्मा गर्म आलू के पराठे अराठे बना दो जरा। बताओ मम्मी जान बुझ के ना रोज ऐसी रोटी और कोई सी दाल सब्जी बना के रख देंगी। यूं नहीं कि हमारे लिए तो कुछ अच्छी चीज बना दे। मम्मी हमारे लिए भी नहीं अच्छी चीज बनाती है। हाँ मैंने बोला था आलू के पराठे बना के खिला दो, तो खिलाए नहीं। और ये झंडे अभी झंडे टंग रहे हमारे घर में, वो फीके आलू के पराठे मैं नहीं खाऊंगा, उसमें कुछ भी है नहीं डाल दी। तो भाई चलो अभी आलू के पराठे का नाश्ता करेंगे, और बहुत भूख लग रही है। अभी हमारे घर को इग्नोर करना मत करना, इग्नोर जो भी है जैसा भी है यही है अपना, मतलब इसी को एक्सेप्ट करेंगे अपन। ये कवाड़ आवाड़ का घर है हमारा। क्या बोल रही हो तुम? मतलब ये छी छी रश्मि, नहीं गलत वाली। अरे तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कवाड़ नहीं है ये, अपना घर है ना। क्या पगासा फैला, तो बच्चे वाला घर है भाई, ऐसा तो होगा ही सही। क्यों उतारी स्वेटर, क्यों उतारी? गर्मी लग रही खतरनाक। ये ऐसे ही तो बीमार होते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि कान बांध के रखो, स्वेटर में रहो, अभी ऑपरेशन हुआ अपना। पर नहीं, वो मेरा बेटा है ना, रात से सोया नहीं है, अभी भी जग ही रहा है। देखो इसका दूध लेके आना पड़ेगा। तो गाइस देखो, हमने बाबू के लिए छोटा सा झूला बना दिया है, और वैसे तो झूले में अभी सुलाते नहीं है इतने छोटे बच्चे को, पर अभी का रो रहा था ना, इसलिए हमने तो थोड़ी देर के लिए सुला दिया, बाकी सुलाएंगे नहीं, इसको वापस बांध देंगे ऊपर, बाद में काम आएगा। और ये देखो महारानी होमवर्क करवा रही है अपने राजकुमार को। अरे आज छुट्टी थी, छुट्टी थी तो होमवर्क तो दिया है ना, अभी वो जो छुट्टियां लगी थी उसका तो ढेर सारा होमवर्क मिला है। करवाओ करवाओ, और मुझे लग रही है भूख, अब मैं जा रहा हूँ मेरी मम्मी के पास, और आलू के पराठे बनाए, आलू के पराठे खाते हैं। मम्मी बर्तन मांज रही है, कहाँ है आलू के पराठे? अरे ठीक है पहलवान, नाराज क्यों हो रहे हो? तो चलो गाइस मैं नाश्ता करता हूँ, और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब नया व्लॉग में स्टार्ट करूँगा नहाने के बाद, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। और नए व्लॉग में तो जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है पर रिप्लाई सबके कमेंट पर करता हूँ। और जो भी हमारे चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, और लव यू लव यू लव यू लव यू।